नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ पर हम मैथ में लास्ट लेक्चर में डिस्काउंट के बारे में पढ़ रहे थे, जो अपना फिनिश हो गया है। आज से अपन नया चैप्टर ऐसा ही स्टार्ट करेंगे, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जिस पर कोई ऐसा धन जिस पर हर साल ब्याज बनता है। इसमें साधा ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है अपन को उसी पर ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर अपन को ब्याज प्राप्त नहीं होता है। तो उसे क्या कहेंगे अपन, साधारण ब्याज। अगर ब्याज के ऊपर ब्याज प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अपन साधारण ब्याज के बाद पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे एस आई क्या है, साधारण ब्याज अपना, पी है मूलधन, आर है ब्याज की दर और टी है समय। अब कुछ अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। आज का पहला क्वेश्चन है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज अपन को ज्ञात करना, मतलब ऐसा ही अपन को निकालना है। 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए धनराशि क्या होगी, अपना मूलधन जो अपन ने दिया है, ठीक है। 500 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ब्याज की दर क्या है 10, टी का मान कितना है 3 वर्ष के लिए, टी का मान हो जाएगा 3/100। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का गुना 10 में 50, 50 3 150, साधारण ब्याज आएगा अपना 150, मतलब 10% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 150 रुपए का अपन को ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब क्या अपन को पी निकालना है, मूलधन। धनराशि अपन को नहीं पता लेकिन दर पता है 7%। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। अपन को दिया साधारण ब्याज 280 रुपए है, मतलब ऐसा ही का मान अपन को दे दिया इस बार, ठीक है। अभी ऐसा ही अपन ने निकाला था, अपन को ऐसा ही दे दिया, ऐसा ही 280 रख देंगे। धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब पी का मान अपन को पता नहीं, तो पी अपन को निकालना है, पी की जगह पी लिखेंगे, वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आर का मान 7, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो 4/100, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 4 से 10 बार, पी बराबर क्या आएगा, यहाँ से कैसी गुना होगा तो 1000। 1000 रुपए धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए देंगे तो अपन को 280 रुपए ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर अपन को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या होता है, धन रहेगा कोई वो अपने का गुना हो जाएगा, 3/2 या 2 गुना या 4 गुना या 5 गुना, कितना भी गुना हो सकता है, हमेशा क्या पूछेगा अपन से, वार्षिक दर ही पूछेंगे। तो कैसे कहते हैं, कोई धन है साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्ष के लिए दिया तो अपन को समय पता चलेगा कि 5 वर्ष हो गया, ठीक है भाई। अपने का 3/2 गुना हो जाता है, किसका हो रहा है, अपने का। पहले मान लो था अपने पास पी, तो कितने गुना हो गया, 3/3 p/2, तो ब्याज कितना हो जाएगा अपना, p/2 ब्याज बराबर, ऐसा ही बराबर क्या होता, पी आर टी अपॉन 100। अपने का 3/2 गुना हो गया, साधारण ब्याज में क्या मूलधन हटा देंगे तो अपन को ब्याज मिल जाएगा। पहले मूलधन मान लिया अपन ने पी था अपने पास, अब हो गया 3p/2, तो ब्याज कितना हो जाएगा, p/2, मूलधन तो पी है, आर अपन को निकालना है, टी कितना दिया 5/100, पी से पी कैंसिल, 2 से 50 बार और 5 से 10 बार, यहाँ से आर बराबर क्या मिल जाएगा, 10%, मतलब दर आ गई अपनी 10%। कैसे किया, अपने का 3/2 गुना है, यहाँ देखना अपने का है जब, तो क्या करेंगे इसमें से पी माइनस कर देंगे, इसको मान लिया 3p/2 और अपना मूलधन पी, तो माइनस करेंगे क्या बचेगा, ब्याज p/2, बस लगा देंगे ब्याज बराबर पी आई टी अपॉन 100, फिर अपना पी इंटू आर इंटू 5/100, सोल्व करेंगे तो आर का मान आएगा 10%। या फिर डायरेक्ट कर लू, आर बराबर क्या होगा, बड़ी में से छोटी संख्या ऊपर वाली नीचे वाली घटा कितना बचेगा, 1, नीचे रखेंगे नीचे वाली संख्या 2, इंटू परसेंट के लिए 100 अपॉन में समय 5, इससे कर सकते 50
दस, दस पर या फिर फॉर यूज कर लो या फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, 3 वर्ष में कितनी हुई, 5/4 गुना, तो ब्याज अपना कितना हो जाएगा, इसमें से पी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/4 पी अपॉन फोर एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही हो गया अपना पी अपॉन फोर, मूलधन हो गया पी, आर अपन को निकालना, टी कितना दिया 3 वर्ष अपॉन 100, 4 से कैंसिल होगा 25 बार, पी से पी कैंसिल, आर बराबर क्या बचेगा 25/3 कैंसिल करेंगे, आर सही 1/3%, आर का मान आ गया आर सही 1/3%। भाई धनराशि साधारण ब्याज के 3 वर्ष में 5/4 गुना हो गई, अपने की 5/4 गुना हो गई, फिर क्या करेंगे, अपना धन था पहले पी, फिर हो गया 5p/4, तो ब्याज कितना निकल आएगा, 5p/4 में से पी माइनस कर देंगे तो p/4 बराबर p(r)(3/100, या फिर इस तरीके से कर लो, r बराबर ऊपर क्या आएगा 5/4 जाएगा 1/4 × 100 अपॉन समय कितना है 3, 25/3 बराबर r सही 1/3%, इसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, मूलधन अपने का गुना हो रहा था, उसमें मूलधन अपने ही का इतने गुना बता रहे थे कि 3/2 गुना या 5/4 गुना या 3 गुना जितना भी होगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अपना साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना या साधारण ब्याज या मूलधन का गुना बताएंगे, मूलधन का कितने गुना हो जाएगा, कितने कम गुना हो जाएगा, ऐसा बताएंगे और वार्षिक दर निकालेंगे। पहले में मूलधन हो रहा था, यहाँ पे साधारण ब्याज हुआ, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, क्या कहते साधारण ब्याज मूलधन का हो गया, पिछले क्वेश्चन क्या कहते मूलधन स्वयं का हो गया, इसमें साधारण ब्याज मूलधन का हो रहा है, मूलधन का 3/5 गुना हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर अपन को ज्ञात करनी है, इसमें वार्षिक दर अपन को निकालनी, तो क्या होता अपना एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, क्या कह रहे हैं वो साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया 3/5, तो अपन ने मान लिया साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, तो क्या अपन मूलधन अपना होता है पी, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन का 3/5 गुना हो, तो साधारण सीधा पता चल गया अपन को 3p/5 हो जाएगा, पी का 3/5 कर दिया तो साधारण ब्याज मिल गया 3p/5, मूलधन अपना पी है, आर का मान कितना निकालना है अपन को, टी कितना दिया 3 वर्ष के लिए, तो आर टी का मान 3/100, सॉल्व करें पी से पी कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 120 बार कैंसिल, यहाँ से आर बराबर क्या मिलेगा अपन को 20%, या फिर अपन डायरेक्ट ब्याज की दर बराबर आर बराबर रख सकते हैं, क्या साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। ठीक है, तो अपन मूलधन क्या मान लेंगे, नीचे की संख्या से हमेशा मूलधन मान लो, तो क्या हो जाएगा मूलधन 5, ब्याज अपना 3 हो जाएगा × 100% इसके लिए, और समय नीचे 3 से 3 कैंसिल 20 बार, आर बराबर 20%, इसे कैसे किया साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, ऊपर वाली संख्या अपनी ब्याज हो जाएगी, नीचे वाली मूलधन हो जाएगी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3/5 × 100/3, सॉल्व करेंगे तो सीधा डायरेक्ट 20% आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय में वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, तो ब्याज की दर अपन को निकालनी है, की बराबर क्या दिया इनने 3r, वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर, फिर लगाएंगे अपन एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, एस आई का मान कितना हो जाएगा 3p/16 p×r का मान निकालना है, टी का मान दिया 3r/100, 3 से 3 कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यहां से 4 से 12 कट जाएंगे, यहाँ 25 बार, आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 25/4, मतलब आर बराबर आ जाएगा अपना 5/2%, आर की वैल्यू मिल जाएगी बोलो 5/2%, क्या
क्लियर। साधारण व्याज धन का 3/16 हो रहा, तो साधारण व्याज सीधा मिलेगा अपन 3p/60, क्योंकि अपन ने धन मान लिया p, तो साधारण व्याज 3p/60। या फिर r बराबर से करो, r बराबर क्या होता ऊपर ऊपर वाली संख्या 3 अपन वाले साधारण व्याज, नीचे वाला क्या हो जाता अपना मूलधन इंटू परसेंट के लिए 100 और समय 3r। ठीक है, r से r, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/4, आर बराबर हो जाएगा 5/2। या ट्रिक से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करो तो भी वैसा ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करना है अपन को। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं इसमें, किसी धन कोई धन दिया अपन, मान लिया अपन ने पी है, तो 7 वर्ष 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दिया, यदि ब्याज की दर दी और धन अपन से पूछा है, अंतर दिया तो अपन दोनों का अलग अलग ब्याज निकाल के बराबर में 150 रख दे तो भी हो जाए, या फिर जैसे पहले करते तरीके से, मान लिया पहले पी इंटू 7 वर्ष, पी आई क्यों था, पी पी वन आर वन पी वन अपॉन 100 और पी टू आर टू टी टू अपॉन 100, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 150। एक वर्ष का अंतर माइनस दूसरे वर्ष का अंतर बराबर 150। अब रखेंगे आप पी वन, धन तो अपना पी है, तो पी इंटू 7 इंटू दर 5 अपॉन 100। ठीक है, माइनस यहां पी इंटू आर का मान 5 ही है और पी 10 अपॉन 100 बराबर 150। सॉल्व करेंगे इनको, 100 एलसीएम आएगा कितना हो जाएगा, 5 × 7 = 35 पी अपॉन 100 माइनस कितना हो जाएगा 50 पी अपॉन 100 बराबर 150। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 15 पी अपॉन 100 बराबर 150। 15 से 15 कैसे पी बराबर कितना हो जाएगा 1000। ये अपन पहले 7 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 10 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे बराबर 150, तो अपना पी का मान आ जाएगा 1000। या फिर इसको अपन ट्रिक से कर सकते, ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से देखते क्या, मूलधन बराबर आएगा डायरेक्ट अपना 7 वर्ष 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर दिए 150 रुपए। जब अंतर दिया हो तो अपन को क्या करना है, ऊपर ब्याजों का अंतर, जब अंतर दिया तो ऊपर ब्याजों का अंतर अपॉन में क्या रखेंगे, समयों का अंतर, जब अंतर दिया तो अंतर रखना है। ठीक है, इंटू आर टू ठीक है, ब्याजों का अंतर दिया क्या करेंगे नीचे अपन समयों का अंतर, और ऊपर ब्याजों का योग दिया तो नीचे क्या करेंगे समयों का योग, इंटू आर इंटू ऊपर 100। सॉल्व करेंगे, ब्याजों का अंतर कितना है 150, समयों का अंतर कितना आएगा 7 वर्ष 10 वर्ष का अंतर करेंगे कितना आएगा 3, आर का मान 5 इंटू 100 कैंसिल करेंगे 10 बार कितना आ गया 1000। आप इस तरीके से भी कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग 270 रुपए है, वह धन ज्ञात करें। तरीके से अपन कर सकते हैं, दोनों का योग करेंगे, 3 वर्ष के लिए अपन साधारण ब्याज निकालेंगे प्लस 6 वर्ष के लिए निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बराबर 270 रख देंगे। फॉर्मूले कैसे करेंगे, मूलधन बराबर ब्याजों का योग, अब ब्याज का योग करें नीचे भी क्या करेंगे अपन समय का योग इंटू आर ऊपर 100 का इंटू, ब्याज कितना है 270, समय का योग कितना होगा 6 और 3 9, दर कितनी है अपनी 6 × 100 9 × 3 = 27 6 × 5 = 30, 5 का 100 हो रहा होगा तो क्या जाएगा अपना 500, पी का मान आ गया अपना 500। ठीक है दोस्तों, और तरीके से निकालेंगे अपन कैसे, पी आई की पहले पी इंटू 6 × 3 / 100 प्लस पी इंटू
6 × 6/100 बराबर 270। इसे सॉल्व करेंगे तो भी अपना आंसर वही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर अपन को ज्ञात करनी है। क्या करेंगे अपन, 3 वर्ष में कितना हो रहा 575, 5 वर्ष में 625। अपन को पता है साधारण ब्याज में मूलधन पर ही ब्याज बनता है, तो 2 वर्ष में जो क्या है अपना ब्याज ही बना हुआ मूलधन पर, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 2 वर्ष में ऐसा ही कितना हो जाएगा अपना, माइनस करेंगे 5 में 3 माइनस 2 वर्ष, ऐसे इसमें से 625 में 575 माइनस होगा तो कितना बचेगा 50। ठीक है, 2 वर्ष में ऐसा ही हो गया अपना 50। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 25, 200 कैंसिल कर देंगे। 1 वर्ष में हर वर्ष अपना 25 रुपए साधारण ब्याज बन रहा है, 3 वर्ष में कितना बना होगा अपना 75 रुपए, तो 3 वर्ष का मूलधन क्या आ जाएगा अपना P बराबर 575 में से अपन 3 वर्ष का अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा 75, मतलब 500 रुपए अपना क्या हो जाएगा मूलधन। ठीक है, अपन को मूलधन मिल गया, अपन को क्या निकालना ब्याज की दर निकाल देंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला SI बराबर PRT/100। ठीक है, SI अपन ने 1 वर्ष का कितना है अपना 25, 1 वर्ष का अपन SI कर देंगे, तो समय का मान अपन को कितना रखना पड़ेगा 1, आर का मान अपन को निकालना है, पी अपन ने निकाल दिया 500/100, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 से 25 5 बार, तो आर वाला क्या जाएगा 5%। एक बार देखते हैं, 3 वर्ष का है 575, 5 वर्ष का 625 अपना धन हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया 575 और 5 वर्ष में 625 हो गया। अपन को पता है साधारण ब्याज में मूलधन पर ही ब्याज बनता है, तो ये 2 वर्ष में क्या अपना एक्स्ट्रा ब्याज ही बढ़ा होगा, मूलधन तो अपना बढ़ेगा नहीं, तो 2 वर्ष में ऐसा ही कितना हो गया 50, 1 वर्ष में ऐसा ही 25, तो अपना मूलधन क्या आ जाएगा, अगर अपन इससे निकालते हैं तो 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे, अगर इससे निकालेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे, तो 575 में 3 वर्ष का ब्याज माइनस करेंगे, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25 × 3 = 75 बराबर अपना 500 प्राप्त होगा। अपन को मूलधन मिल गया 500 रुपए, अपन को दर निकालनी, तो कल क्या लगाएंगे SI बराबर PRT/100। अब SI अपन ने कितने साल कर लिया यहाँ पे 25, 1 वर्ष का, तो समय का मान P का मान 1 रख देंगे, आर अपन को निकालना है और मूलधन अपन ने 500 निकाला, अपन 2 0 2 0 कैंसिल, 25 आर बराबर 5% अपन को प्राप्त हुआ। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ब्याज किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए से तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा। क्या है, 4 वर्ष में 928 रुपए और 6 वर्ष में 992 रुपए, माइनस करेंगे इनको कितना 2 वर्ष में कितना हो जाएगा ऐसा ही अपना, माइनस करो 12 में से 8 जाएंगे 4, 8 में से 2 जाएंगे 6 = 64 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष में ऐसा ही अपने 64 रुपए, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में ऐसा ही 32 रुपए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, अपन को क्या निकालना है पहले मूलधन, पी बराबर कैसे निकले 4 वर्ष का, इसमें से अगर ब्याज घटा दे तो अपन को मूलधन मिल जाएगा 928 - 4 × 32, तो अपन को मूलधन मिल जाएगा, गुणा करेंगे 928 - 4 × 8 = 128 में कितना बचेगा 800 रुपए, अपन को मूलधन मिल गया 800 रुपए, अपन को निकालना है दर। ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100, ऐसा ही का मान कितना रखेंगे अगर अपन 32, तो समय का मान कितना लेना अपन को 1, 32 बराबर P का मान 800 × आर अपन को निकालना है, P का मान 1, क्योंकि अपन ने 1 साल का ब्याज लिया तो 1 रखेंगे, 4 साल का देखें तो समय का मान 4 रखेंगे, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 × 4 = 32, आर बराबर आ जाएगा अपना 4%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप और क्वेश्चन लगे कोशिश करें, और जो क्वेश्चन ना है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स।